Good morning, students. This is the sixth video of the lesson 7 Evans Trizano Level, written by Colin Dexter. Now I am going to start from here. He rapped out his orders to the driver. St. Alde's police station and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell. Chief Inspector Bell got that. Jo governor. Hai, उसको आभास हो जाता है कि वो न्यूबरी गए हैं शायद और न्यूबरी कैसा है एक प्रैटी बिग ऑफ प्लेस है तो क्या कहता है ही रैप्ड आउट रैप्ड होता है स्पोक शार्पली एंड रैपिडली तेजी से और जल्दी से उसने ड्राइवर्स को ऑर्डर दिए गवर्नर्स ने भी सेंट अल्डेट्स पुलिस स्टेशन में जाओ एंड स्टेप ऑन इट जल्दी करो टेक जैक्सन एंड स्टीफन एयर जैक्सन स्टीफन को यहाँ लाओ एंड वेन यू गेट देयर एयर आस्क फॉर वेलफेयर जब वे तुम्हें मिल जाएँ तो बेल को बुलाओ चीज चीफ इंस्पेक्टर बेल गोड दैट गोड दैट मीन्स अंडरस्टूड समझे ही लीव द स्टेयर्स टू इज ऑफिस थ्री एट ए टाइम गोड बेल ऑन द फोन इमीजिएटली एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम हीम वह अपने ऑफिस की जो तीन सीढ़ियों को एक ही बार में पार करता हुआ मतलब जल्दी से मतलब कि जल्दबाजी में तीन सीढ़ियाँ थी जो उनको एक ही टाइम में पार करता हुआ आया गोट बैल ऑन द फोन और तुरंत ही इमिजिएटली तुरंत ही बैल को फ़ोन मिलाया एंड पुट दफेक्ट बिफॉर इमर उसके सामने सारे तथ्य रखे वी शेल गेट हिम सर सेट बैल बैल ने कहा सर हम उन्हें पकड़ लेंगे वी शेल गेट हिम उन्हें पकड़ लेंगे विद ब बिट ऑफ लक अगर थोड़ा सा भी भाग्य ने साथ दिया तो हम उन्हें पकड़ लेंगे द गवर्नर सेट बैक गवर्नर फिर वापस बैठ गया एंड लिट ए सिगरेट और सिगरेट जलाई या गोट्स वट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड बीन इट हैड ऑल बीन और गवर्नर है जो बैठ कर सिगरेट जलाकर सोचता है और कहता है कि कितनी मतलब ब्यूटीफुली प्लान बनाई है उसने वट ए क्लेवर फैलो इवान्स वॉज कि इवान्स है जो कितना चालक फैलो है केयरलस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड लापरवाही जो उसने की है वो ये की है कि वो पीछे क्वेश्चन पेपर छोड़ गया है बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक सम वेयर एलोंग द लाइन और गवर्नर कहता है कि वे सभी इस तरह की मिस्टेक है मतलब कि इस तरह की इस लाइन के ऐसे भी लोग हैं जो कुछ ना कुछ मिस्टेक छोड़ जाते हैं क्योंकि जो चोर होते हैं कोई ना कोई सुरागें छोड़ देते हैं अपनी लाइन अपने प्रोफेशन में वेल ठीक है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम लगभग सभी के सभी एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शोर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवानस वुड बी बैक इन साइड डूइंग हीज वंस मोर और यही कारण है जो मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवानस है वो जल्दी ही एक बार फिर सलाखों के अंदर होगा पकड़ा जाएगा मतलब कि उसने अपने पीछे क्वेश्चन पेपर जो छोड़ दिया है उसके आधार पर जो गवर्नर है वो ये सोच रहा है कि जो जो चोर चोर या डकैत वगैरह होते हैं इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं और मिस्टर जो क्लेवर इवानस है वो एक बार फिर जेल के अंदर होगा द फोन ऑन हिज डेस्क अरेप्टिड ऑन ए स्टार्ट ब्रस्ट अरेप्टिड होता है फटना मतलब कि तेज आवाज में फटना द फ़ोन ऑन हीज डेस्क जो उसके डेस्क पर फ़ोन था एरेप्टिड इन ए स्टायरडेंट ब्रस्ट बिग स्टायर होता है ईयर सेटरिंग मतलब कानों को बेदने वाला करण बेदी मतलब कि जल्दी से उसके डेस्क पर जो फ़ोन रखा हुआ था वो तेज़ी से ऊंची आवाज़ में फटा फटा मीन्स रिंग आई उससे एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म हिम और सुपरिटेंडेंट कार्टर ने उसे इन्फॉर्म किया दैट कि मैकलरी हैड स्पोर्टेड इवानस ड्राइविंग ऑफ एलॉन्ग एल्स फील्ड वे उसने बताया कार्टर ने सुपरिटेंडेंट कार्टर ने गवर्नर को कि जो मैकलरी है उसने एल्स फील्ड वे पर ईवान्स को ड्राइविंग करते हुए देखा है दे हैड गोड द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट उन्होंने ठीक ठाक कार का नंबर ले लिया है एंड हैड गिवन चेंज इमीजिएटली और तुरंत ही उसका पीछा शुरू कर दिया चेज होता है पीछा करना बट एट लॉस्ट हिम एट द हिंडटन राउंडबाउट लेकिन उन्होंने जो उसकी कार थी वांस की जो देखी थी मैकिल ने वो लॉस्ट हो गई है हिंडिंगटन राउंड अब पर मतलब जो हिंडिंगटन चुराया है वहाँ से लॉस्ट हो गया है ही मस्ट हैव डबल बैक इन टू द सिटी वह अवश्य ही शहर में दोबारा वापस आया है नो सेड द गवर्नर क्वाइटली गवर्नर ने फिर क्वाइटली कहा नहीं नो no, नहीं हीज ऑन हीज वे टू न्यूबरी वह अपने उसी रास्ते पर है न्यूबरी वाले पर मतलब कि आगे न्यूबरी है वहाँ जाएगा वो ही एक्सप्लेन हीज रीजन्स फॉर बिलीविंग सो उसने ऐसा मतलब कि इस विश्वास के साथ उसके कारणों को एक्सप्लेन किया एंड लेफ्ट इट एट दैट और यही और वह बात वहीं छोड़ दी इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ अब यह एक पुलिस का काम है नोट no, हीज उसका नहीं है क्योंकि जो गवर्नर था वो क्या था जेलर था ऑक्सफोर्ड प्रिजन में ही वाज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गीगल गुलीबल गवर्नर दैट वाज अ दैट वाज़ ऑल ही वॉज जस्ट नैदर ए गुड वह गीगल होता है जो कि हंसी का पात्र बन जाए मतलब जो गवर्नर था दोबारा फिर हंसी का पात्र बन गया एंड गुलीबल गुलीबल था क्रेडुलस गवर्नर और कैसा जिम्मेदार मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों पर निभाने वाला गवर्नर बन गया दैट वाज़ ऑल ये सब था मतलब कि वो दोबारा से फिरे हंसी का पात्र बने क्योंकि जो इवांस था चौथी बार फिर जेल से भाग गया और इस तरह से बाय द वे कार्टर आई होप यू मैनेज टू गेट मैकली टू द हॉस्पिटल ऑल राइट अब गवर्नर कहता है बाय द वे ठीक है कार्टर मुझे आशा है कि तुमने मैकली को हॉस्पिटल में मैनेज मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया होगा मैनेज कर लिया होगा ये सीज इन द रेड क्लिफ नाओ ये yeah, फिर कार्टर जवाब देता है यस yes. वह रेड क्लिफ अब हम वह है जो अब रेड क्लिफ में है हरियली ग्रोगी वास्तव तो में ही वह ही वाज वह ग्रोगी होता है वीक कमज़ोर से होता है वैन वी गो टू द एग्जामिनेशन ऑफिस जब हम एग्जामिनेशन ऑफिस गए एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देर वहाँ से उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कॉल किया क्योंकि उस समय तक जब वो रेड क्लिफ पर थे तो जो मैकलरी था इंजर्ड मैकलरी वास्तव में वो इवानस था तो कैसा प्रतीत हुआ वो सुपरिटेंडेंट कार्टर को जैसे कि वो ग्रोगी दैट मीन्स वो वीक कमज़ोर सा प्रतीत हुआ इसलिए उसने एग्जामिनेशन ऑफिस में पहुँचने के बाद ए, एम्बुलेंस के लिए फोन कॉल की द गवर्नर रैंक द रेड क्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर गवर्नर ने फिर कुछ मिनट के बाद रेड क्लीफ फ़ोन लगाया एंड आस्ट फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट्स में पूछताछ की मैकली यू से आप कहते हो मैकली यस yes, हाँ हिज ए पार्सन वह के पार्सन से पादरी है आई डोंट थिंक देर इज एन्यूवन मेरे विचार से यहाँ इस तरह के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है यस yes, हाँ देर इज हाँ यहाँ है यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट क्योंकि आपने अपनी एम्बुलेंस भेजी थी उसे पिकअप करने के लिए एल्स वे में हो दैट हो वह है यस हाँ वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट हमने एक एम्बुलेंस वहाँ भेजी थी सब ठीक था बट वैन वी गोड दे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे द फेलो हैड गॉन वो जो व्यक्ति था वो वहाँ से जा चुका था नो वन सिम टू नो वेयर ही वाज और किसी को ये प्रतीत नहीं हुआ ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गया था जस्ट वैन लगभग वो वहाँ से गायब हो गया था नोटिसन वहाँ उसके कोई भी साइन नहीं थे बट द no no गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट सम वेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक बट द गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग लेकिन अब गवर्नर ज़्यादा लंबे समय तक सुन नहीं सुना उसने एंड द ट्रूथ सीम टू हिट एम वो जो सच्चाई थी उसके माइंड में वो हिट हुई विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट भी उसका बिल्कुल फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक उसकी नेक की बैक में कहीं ना कहीं मतलब कि जो फिजिकल इम्पैक्ट था वो गवर्नर के माइंड में आया later, ए क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड टूअर्ट मैकुलरी और वन आवर के क्वार्टर में बाद में उन्हें रेवरेंड टूअर्ट मैकलरी मिला सिक्योरली बाउंड बिल्कुल बंधा हुआ एंड गैग्ड गैग्ड होता है उसके मुँह में जैसे कि कपड़ा ठूसा होता है कि वो बोल भी ना पाए प्रिवेंटिड फ्राम ए स्पीकिंग ही स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट ब्रॉड स्ट्रीट में अपने स्टडी रूम में ही हैड बीन देयर वह वहाँ था ही सेड उसने कहा सिंस एट फिफ्टीन से वह सुबह आठ एट फिफ्टीन से वहीं था वैन टू मैन हैड कोल्ड जब दो आदमी उसे उसके पास से आए एंड और इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग और दोपहर के बाद पूरी न्यूब्री में इंक्वायरी की गई लेकिन कुछ नहीं मिला नथिंग एट ऑल कुछ भी नहीं एंड बाय टी टाइम और एवरी वन इन द प्रिजन न्यू वट हैड हैपन और दोपहर के बाद जो चाय के समय के बाद जेल में ऑक्सफोर्ड प्रिजन में सभी को पता लग चुका था कि क्या घटना घटित हुई है इट हैड नॉट बीन इवानस इन मैकली वो मैकलरी के बेस में इवान्स नहीं था हुड वॉकड आउट जो कि चलकर बाहर गया था हिट हैड बिन इवान्स वह इवान्स था इम परसोनिंग मैकलरी मैकलरी के बेस में हु हैड स्टेड इन जो कि जेल के अंदर रुका हुआ था मतलब कि जो कि जो ईवान्स की सीट पर जो मैकलरी लुड़का हुआ था वह इवानस था द फिश एंड चिप्स वर डेलीशियस फिश और चिप्स डेलीशियस थी एंड आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल स्ट्रोल होता है वॉक लेजरली आराम से सैर करने के बाद राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नोटर चिपिंग नोटरन चौराई पर मतलब कि चिपिंग नोटर के सेंटर में आराम से सैर करने के बाद इवान्स डिसाइडेड इवान्स ने डिसाइड किया टू रिटर्न टू द होटल कि वो होटल वापस जाएगा एंड हैव एन अर्ली नाइट और जल्दी ही सो जाएगा ए स्मार्ट न्यू हैट कंसील्ड कंसील्ड होता हाइड छुपा दिया द रैकेज ऑफ हिज क्लोजली क्लॉब्ड हेयर उसके स्मार्ट नए हैट ने जो उसके छोटे बाल कटे हुए थे उनको छुपा दिया एंड ई कैपटिट ऑन एज ही वाग डॉप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ़ द गोल्डन लॉइन ही इट वह उस सेट को तब तक अपने सिर पर रखे रहा जब तक वह गोल्डन लॉइन के रिसेप्शन डेस्क तक चल कर नहीं गया इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू इट्स फॉर्मर ग्लोरिज इट वुड टेक ए गुड वाइल उसको अभी समय लगेगा क्योंकि जो उसके बाल थे दोबारा से जो पहले वाली जो ग्लोरी थी क्योंकि उसके बाल थे बड़े बहुत अच्छे थे उस पहले वाली ग्लोरी को लेने के लिए रिगेन करने के लिए उसे टाइम लगेगा बट वट हेल डिड नॉट दैट डिड दैट मैटर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ई वाज आउट अगेन वह दोबारा फिर बाहर था वाजान टी क्या नहीं था वह ए बिट ऑफ बैड लक एक जो उसके थोड़ा बहुत जो बैड लक था दैट की वैन जैक्सन हैड पीज डि सीजर्स कि जैक्सन ने जब उसकी जो सीजर्स थी वो वहाँ से ले ली थी वो उसके लिए बैड लग था फॉर क्योंकि इट हैड मेन्टेन लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हीज ऑनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट क्योंकि उसने पिछली रात को अपने रेजर ब्लेड से ही वो लंबे और ट्रिकी ऑपरेशन अपने बालों का किया था मतलब कि उसने अपने बाल वगैरह जो केवल रेजर से ही काटे थे क्योंकि जो सीजर थी वो जैक्सन ने वहाँ से ले ली थी हाँ बट ही हैड ही हैड हैड, हैड हीज गुड लक नहीं उसका अच्छा भाग्य भी था जस्ट थिंग जरा सोचो इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैड ऑफ अगर जैक्सन उसका जो बॉबल हैड था वो न्यू हैड था जो अगर उसको उतरवा लेता तो क्या होता ओ दैट रियली हैड बीन ए क्लॉज कॉल यह वास्तव में ही बिल्कुल बाल बाल, बाल बचा है स्टिल अभी भी ओल्ड जैक्सन वाज नॉट सच से बैड फैलो क्योंकि अभी भी जो ओल्ड जैक्सन है वह इतना ज़्यादा बैड फैलो नहीं था क्योंकि उसने उसके को सिवान सी के बाद उसके सिर पर ही रहने दिया था इसलिए उसको कहता है कि ओल्ड जैक्सन है जो इतना ज़्यादा बैड फेलो नहीं था वन ऑफ द बर्स्ट थिंग सबसे जो बुरी चीज़ थी उसके लिए फ़नी थी एंड एंड्रियलीस्तव में हैड बिन द बेड वो दाढ़ी हो चुकी थी मतलब कि दाढ़ी उसके लिए सबसे ज़्यादा फनी थी ही हैड ऑलवेज बिन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर क्योंकि उसमें हमेशा ही एलर्जी हो जाती है जब उसमें वो प्लास्टिक प्लास्टर को लगाता है एंड इवन नाउ ही चीन वाज इरिटेटिंगली श्योर एंड रेड और उस प्लास्टर के कारण उसकी जो चिन थी वो उसके कारण वो बड़ा चिड़चिड़ा चेट होगा था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वह लाल हो गई थी प्लास्टर प्लास्टरी खंड जो उसकी चिन्ह थी वो रेड हो चुकी थी द रिसेप्शनिस्ट वाज नॉट द सेम गर्ल जो रिसेप्शनिस्ट थी वह वही लड़की नहीं थी हु हैड हिम इन जिसने उसकी रूम को बुक किया था बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर लेकिन जो चेंज था वो निश्चय ही अच्छे के लिए था एज ही कलेक्टेड इज की जैसे ही उसने अपनी की कलेक्ट की ही गेव हर ज बेस्ट स्माइल उसने उसे अपनी अच्छी स्माइल दी एंड टोल्ड हर उसे बताया ही वुड नॉट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट कि वह ब्रेकफास्ट के लिए परेशान नहीं करेगा ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस एंड आस्ट फोर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट सिक्स फोर्टी फाइव ए एम उसने कहा कि डेली एक्सप्रेस के लिए ऑर्डर करना और सुबह सिक्स फोर्टी फाइव पर मुझे कॉल करना टमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजीडे क्योंकि जो आने वाला उसका दिन धकल का वो भी बिजी डे था उसके लिए ही विसल्ट सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही वाकड द स्टेयर्स जब वह चौड़ी सीढ़ियों से चल कर गया तो उसने सोम के लिए सीटी बजाई मतलब कि आराम से सीटी बजाता हुआ सीढ़ियों से अपने रूम में जाता क्योंकि वो बच के आ गया था जेल से इसलिए बड़ा खुश था और अपने लिए विसल्ट करता है ही एयर श्योर ऑफ लाइक द आइडिया ऑफ बींग ड्रेस्ड अप एज ए मिनिस्टर डॉ कॉलर एंड एवरी और फिर भी उसके माइंड में वो सभी विचार आते हैं जो उसने ड्रेसअप किया था पादरी की जो ड्रेस डाली थी डॉक कॉलर और वो सब वो जो सारी माइंड में उसके जिस तरह वो जेल से बच के भाग्य था मैकलरी का बेस भर के उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रिमाइंड करता है यस yes, हाँ इट हैड बीन ए जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलरी टू वी टू ब्लैक बटन टू ब्लैक फ्रंट टू कॉलर्स बट दैट टॉप कॉलर्स इट हैड बीन ए जोली गुड आइडिया ये उसके लिए एक मज़ेदार बात थी कि मैकलरी टू ब्लैक फ्रंट पहन कराया था टू कॉलर्स बट दैट टॉप कॉलर लेकिन जो उसका टॉप कॉलर था फीव हो इट हैड कैप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक वह जल्दी ही बैक स्टड बैक स्टड डबल ही बटन वाला मतलब कि जिस जो चिट बटन होते हैं डबल साइड से वो लगते हैं उसको स्टड बोलते हैं क्योंकि उसमें से जो स्टड था वो जल्दी ही स्लिप हो जाता था एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिक मोमेंट वन मैकली हैड ओनली जस्ट कोट इज हैंड अप टू इज नेक इन टाइम टू स्टॉफ द कोलर स्प्रिंगिंग अ पार्ट बिफोर ए देर हैड बिन दैट वन पैनिक की मोमेंट एक जो मतलब कि भयभीत करने वाला जो क्षण था वह तब था जब मैकलरी ने हैड ओनली जस्ट गोट हीज जब अपने आते ऊपर उठाए अपनी गर्दन तक और उस समय टू स्टॉप द कोलर्स कोलर्स को स्टॉप करने के लिए स्प्रिंग अपार्ट बिफोर स्टीफन स्टीफन के सामने क्योंकि स्टीफन जो था पीपॉल से उन पर नजर रखे हुए था तो उस समय भी उन्हें क्या था कि कहीं फंस ना जाएं जब वो स्टड कोलर को मतलब कि सेट कर रहा था दे हैड गोड दैट little प्रॉब्लम worked आउट ऑल राइट सब कुछ ठीक ठाक चला थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम तो हुई लेकिन सब कुछ ठीक ठीक चला दी ए पेन स्टक इन द माउथ वेनएवर द एविल आई हैड ए पीयर द पीप होल जब भी वो एविल आई मतलब कि जो स्टीफनस की आँख थी क्योंकि उस पर नज़र रखे हुए थी जब भी वो पीप होल पर दिखाई देती उसे तभी जो है ईवान साहब पेन को अपने मुँह में स्टक कर लेता पकड़ लेता था, था. यी आसान था बट ऑल दैट फीडलिंग अबाउट अंडर द ब्लेंट विद द ब्लैक ब्लैक फ्रंट एंड द बैक ऑफ द कॉलर दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर ए बारगेंट फोर लेकिन जो ऑल दैट फीडलिंग फीडलिंग होते सारा जो खिलवाड़ था जो एक कहानी जो उसने रची थी मैकनरी का बेस भरने के लिए वो उससे भी क्या थी ब्लैंकेट के अंडर थी भी कंबल के नीचे उसने सारे काम किए थे वो ड्रेस वगैरह चेंज करने की विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड फिर ऊपर से वो जो स्टड था जो बार बार निकल जाता था एट द बैक ऑफ द कॉलर कॉलर के बैक में दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट देन दे हैड एवर ए बारगेंड फोर बार्गेंड होता थोट भी जैसा उन्होंने सोचा था उससे उस, उस उससे ज़्यादा कठिन था मतलब ऐसा नहीं था कि आसान था जैसा सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल था ये सारा चीज़ सारी जो एक्टिविटी थी ड्रेसअप को चेंज करने की एवरी थिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली फिर भी हालांकि सारी जो चीज़ें थी वो बड़ी सुंदर ढंग से और स्मूथली हो गई इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रोमिस्ड उसे कार में वो सब चीज़ें मिली जो उसे प्रोमिस किया गया था शोप एंड वाटर साबुन और पानी क्लॉथ्स द मैप मैप यस द मैप ऑफ कोर्स निश्दे वो मैप द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर ऑक्सफोर्ड शायर का ऑर्डिनेंस सर्वे मैप वह भी उसे गाड़ी में मिला ही हैड गोट सम गुड फ्रेंड्स उसे कुछ अच्छे मित्र मिले सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स कुछ क्लेवर फ्रेंड्स थे क्राइस्ट ही अनलॉकड हिज बेड रूम डोर एंड क्लोज इट क्वाइटली बिहाइंड ही अब वो ये जो सारी जो एक्टिविटी था ईवान से जब ब्रोड स्टेयर से वो ऊपर जा रहा था अपने रूम में तब ये एक सारी कहानी को सोच रहा है कि मैं कैसे मैंने मैगरी का बेस चेंज किया कैसे फिर मैं वहाँ से निकला और वो बच के बिल्कुल अपने बेडरूम के डोर को अनलॉक करता है एंड क्लोज इट क्वाइटली बी और पीछे से जल्दी से बंद कर देता है एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट लाइक ए मैन हु जस्ट कॉट ए ग्लीम्स ऑफ द गोर्गन गोर्गन होता है फायर्स स्मोनस्टर बयान के है एंड देन स्टूड फ्रोजन बेडरूम का डोर है जो अनलॉक करके क्लोज करने के बाद तब टुड खड़ा रह गया फ्रोजन जम करे टू द स्पॉट उसी जगह पर लाइक ए मानूस आदमी की तरह है, जो, की, caught, जो की है कि हु है जस्ट कॉट एक गिफ्सोधक और जो कि एक भयानक दैत्य को देख करें बिल्कुल जड़बंद हो जाता है मतलब कि बिल्कुल जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया और सामने देखा तो सामने गवर्नर थार उसको देख कर बिल्कुल वो वहीं की वहीं फ्रोजन हो गया बिल्कुल की जैसे कि जम गए उसके पैर सीटिंग ऑन द नैरोड व वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट ई वान्स हेड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी सीटिंग ऑन द नोबैड जो उसका नैरोड था उस पर बैठा हुआ था द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड संसार का सबसे अंतिम आदमी जिसकी कि ईवान्स ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और ना चाह था और ना मतलब उसके माइंड ने कभी विचार नहीं किया था कि जब तू अंदर अपने रूम में जाएगा तो वहाँ तुझे गवर्नर मिलेगा इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनी थिंग सेड द गवर्नर गवर्नर ने कहा क्वाइटली आराम से बिल्कुल शांति से इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग द एनी थिंग कुछ भी करने की कोशिश मत करना एज ईवान्स आई डार्टिड डेस्परेटली अराउंड द रूम और जब है ईवान्स की आँखें डार्टिड होता है वाकड और मूड्स रैपिडली जल्दी से घूमगी डेस्परेटली होती निराशा में अराउंड द रूम निराशा से भरी हुई उसकी आँखें रूम के चारों ओर घूम गई आई हैव गोट मैन ऑल ऑलराउंड द प्लेस वेल देयर वर ओनली टू रियली बट ई वांस नीड नॉट नो दैट और गौर ने कहा आई हैव गोट मैन ऑलराउंड द प्लेस भी मैंने चार ओर से आपको घेर लिया है खैर वहाँ केवल वैसे दो थे वास्तव में बट ई वान्स नीड नोट नो दैट लेकिन ई वान्स को इसकी जानने की जरूरत नहीं थी ही लाइट द वर्ड सिंकिंग वह उन शब्दों में डूबा रहा वूमेन टू सोचता कि औरतों ने भी मतलब कि क्योंकि रिसेप्शन पर जो थी लेडीज थी डीड डिडन्ट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वॉज रादर स्वीट उसने कहा क्या आपने सोचा नहीं जो सुंदर ब्लॉन्ड होता है सुनहरी बालों वाली जो लड़की थी रिसेप्शन पे, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी पहले से ईवान्स विजिबली सेकन ईवान सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से घबरा गया था ही सेट डाउन स्लोली इन द स्लोली इन द ओनली चेयर वह भी आराम से के जो एक जो एकमात्र एक चेयर पड़ी थी उसके रूम में उस पर बैठ गया द स्मॉल रूम स्मॉल रूम के अंदर कुड ऑफर जो कि स्मॉल रूम के अंदर एक छोटी सी चेयर थी जिस पर ईवान्स है जो बैठ गया एंड हैल्ड हीज हेड बिटवीन ही जेंट्स और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ा फॉर सेवरल मिनट्स और कई मिनट तक देर वाज अटर साइलेंस वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था थैंक यू स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द चैप्टर